नागपुर के कमला नेहरू सेंटर से पीएचडी फेलोशिप परीक्षा सेंटर से पेपर लीक का मामला सामने आया था, जिसके संज्ञान पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे, लेकिन उसी दौरान पुलिस द्वारा उन कार्यकर्ताओं से मारपीट की, जिसके चलते एबीवीपी द्वारा सरकरदरा पुलिस थाने का घेराव किया गया। नागपुर पुणे संभाजी नगर से पीएचडी फेलोशिप परीक्षा सेंटर से पेपर लीक का मामला आगे आया है। उसी दौरान नागपुर के कमला नेहरू सेंटर से भी पेपर लीक की खबर आई है, जहां परीक्षार्थियों को बाहर तक नहीं जाने दिया गया। खबर मिलते ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे, लेकिन उसी दौरान पुलिस द्वारा उन कार्यकर्ताओं से मारपीट की और बदतमीजी से पेश आए, जिसके चलते एबीवीपी द्वारा सकरदरा पुलिस थाने का घेराव किया गया। इस वक्त भाजपा विधायक मोहन मते भी मौजूद थे। इस समय मांग की गई कि जब तक सकरदरा पुलिस संबंधित कर्मचारियों से माफी नहीं मंगवाती, तब तक हम नहीं उठेंगे, लेकिन उसी दौरान बातचीत के जरिए विवाद खत्म किया गया, ऐसी जानकारी सामने आई है। ही चिंतेची बाब आहे, ते त्यांची मीटिंग झाल्यानंतर ते बाहेर येतात आणि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदच्या कार्यकर्त्यांना तुम्ही बाहेर वा, त्यांचे कपडे फाडून त्यांना बाहेर नेतात। त्याच्यानंतर आमचे कार्यकर्ते म्हणतात की आता आम्ही एबीव्हीपी म्हणून आतमध्ये जाऊन आमदारांना भेटणार। आतमध्ये जाण्याचा प्रयास केला असता त्यांना जबरदस्ती गाडीत बसून या स्टेशनमध्ये आणलं जातं आणि इथे आतमध्ये घेतल्यानंतर त्यांच्यासोबत मारहाण होते, हे कितपत योग्य आहे? कोणत्या कायद्यामध्ये हे मान्य आहे? जिथे विद्यार्थी आमचा कुठल्याही प्रकारचा अशांतता पसरवत नव्हता, कुठल्याही प्रकारचा वादविवाद करत नव्हता, आमच्या मुली कार्यकर्त्यांना पोलीसवाले जे की पुरुष आहेत त्यांनी हात धरून ओढलेला आहे, तर हा सगळा प्रकार कायद्याला अजिबात मान्य नाही, याची सखोल चौकशी झाली पाहिजे आणि जे काही कर्मचारी त्यासाठी दोषी आहे त्यांच्यावर निलंबनाची तसेच पुढची कारवाई झाली पाहिजे, त्यासाठी आज सगळे विद्यार्थी इथे आलेले आहेत। सबको ही पता ही है प्रकरण जो कल घटा है, पीएचडी का पेपर था बाल्टी सारथी का, पेपर लीक हुआ है। जैसे ही पेपर लीक होने की खबर हमें मिली, विद्यार्थी परिषद को मिली है, विद्यार्थी परिषद के कुछ कार्यकर्ता कमला नेहरू कॉलेज पहुँचे, कमला नेहरू कॉलेज सेंटर था, और जैसे ही उन्हें पता चला कि विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता वहाँ आए हैं, आमदार अभिजीत वंजारी ये सेंटर पर ही मौजूद थे। जैसे उन्हें पता चला कि विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता कॉलेज का घेराव करने आ रहे हैं या कॉलेज में मिलने आ रहे हैं, तो उन्होंने गेट लगा दिए, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को अंदर आने से मना कर दिया। फिर जब हमारे द्वारा उनको बोला गया कि अगर से अंदर नहीं आने दिया गया तो गेट तोड़ा जाएगा, तब फिर गेट खुला, तब हमें अंदर जाने दिया गया। अंदर जाने के बाद में पुलिस प्रशासन द्वारा हमारे जो संगठन मंत्री है, महानगर संगठन मंत्री अमित पटले, उनके ऊपर मारहाण की गई, उनके कपड़े फाड़े गए, और इतना ही नहीं, जब उन्हें पुलिस स्टेशन लेकर आया गया तो पुलिस स्टेशन में भी उनके साथ मारहाण की गई। तो हमारी मांग बस इतनी है कि जो पीआई और पीएसआई है उन्हें यहाँ पर बुलाकर माफ़ी देने लगाए, और अगर से इनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं होती है तो विद्यार्थी परिषद तीव्र आंदोलन करेगा आने वाले समय में। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ मनीष टिमरी की रिपोर्ट।